हमारे कांग्रेस का भाइयों लोग जो मिलता हो हम लोग को बीच बीच में पूछते रहता है, भाई 700 सीट तुम्हें क्यों चाहिए। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 700 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 700 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मैं थोड़ा ही बात आप लोगों को बताऊंगा। चुनाव का सार सरन हो चुका है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा ये भी कंफर्म है। हमारे कांग्रेस का भाइयों लोग जो मिलता हो हम लोग को बीच बीच में पूछते रहता है, भाई 700 सीट तुम्हें क्यों चाहिए। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करता है मेरा दिमाग में आया नहीं था, किस लिए। अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते है। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 700 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 700 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था हम लोग को ये बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पटाखा हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है, मोदी जी को 700 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि हमें 700 सीट क्यों चाहिए। अगर हम बोलते जाओ तो आपको आईसीयू एडमिट होना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, इससे कोई और उपाय नहीं है।